हाय फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल बटन पर क्लिक करके सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन पाए। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि विंडोज सर्वर 2019 को बूटेबल यूएसबी कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डाउनलोड किया है आईएसओ, उसके एक्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि फोल्डर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद क्या करना है कि हमें जो यूएसबी पेन ड्राइव है उसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं इसकी मदद से, sp usb fw.exe करके। इसको क्विक फॉर्मेट कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप राइट प्रोटेक्शन भी कई बार रिमूव कर सकते हो। और दूसरी बात बता दूँ कि इसके फॉर्मेट होने के बाद हम क्या करेंगे, विन सेटअप करके एक सॉफ्टवेयर है, विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी करके, अगर इसको यूएसबी को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में भी इजीली सर्च करके भी ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है। यहाँ पर ओके कर देंगे और देन इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरी बात बताऊँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो अभी एक सीरीज डालने वाला हूँ विंडोज सर्वर 2019 की, वो इन्वॉल्व उसमें कौन 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 सी सर्विसेज डाली हुई है, मैं वो सर्विस को सभी को आपको दिखाने वाला हूँ। यानी कि एक अच्छी सर्विस के सीरीज के साथ आप देख सकते हैं। विंडोज सर्वर 2019 में कई सारे ऑप्शन, यानी कि कई सारे फीचर्स भी आए हुए हैं नए, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने पॉज कर लिया वीडियो। अब क्या करेंगे कि विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, यस कर लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम पाथ दे देंगे, जस्ट वहाँ पर जो भी हमारा फोल्डर में कन्वर्ट हुआ था उसका पाथ दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि विस्टा सेवन सेटअप पी करके ये जो ऑप्शन है उसमें टिक मार्क कर दीजिए और ब्राउज करके जहाँ पर फोल्डर बना हुआ है उसका पाथ हमें जस्ट देना है, देख सकते हैं। और उसके बाद गो कर दें। अगर ये पार्ट अगर आपका आईएसओ वैलिड नहीं है, अगर आपके पास फाइल्स वैलिड नहीं है, तो इसको ऑटोमेटिकली ये ऊपर गो डिसेबल हो जाना है, यानी कि गो का बटन इनेबल नहीं होगा। ओके, अब वेट करना है। जस्ट थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका आईएसओ का बूटेबल हो जाएगा, यहाँ पर गो का यानी बटन आ जाएगा, यानी कि ओके का बटन आ जाएगा। तब तक तो हम वेट करेंगे और क्या करते हैं कि बीच में वीडियो पॉज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूम ना हो और इजीली थोड़ा वीडियो जल्दी ही बन जाए, यानी कि थोड़ा छोटा वीडियो बने और आप भी बोरिंग ना हो। तो आप देख सकते हैं एक प्रोसीजर हो रही है, आप जस्ट वेट ही करना है हमें। यहाँ पर करीब 2-3 5 मिनट का टाइम यहाँ पर लगेगा बूटेबल पेन ड्राइव बनने में, क्योंकि सभी फाइल्स जितने भी होती है उसमें पेन ड्राइव के अंदर कॉपीज़ होती है। पहले क्या करता है वो बूटेबल मीडिया बनाता है, बूटेबल मीडिया के बाद आपके पेन ड्राइव में सभी फाइल्स कॉपी करता है। ओके, आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम वीडियो में पॉज कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डन का बटन आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में फिर से मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं डन का बटन आ गया है, यहाँ पर हम डन कर देंगे। डन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी बूटेबल पेन ड्राइव बन गई है, फाइल्स भी कर सकते हैं एक बार उसको ओपन करके। ओके, तो मैं को देख सकते हैं अब मेरी पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। तो इस हिसाब से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल।